दीदी ये सब क्या है? आप वहां से क्यों चली आई? तो क्या करती मैं? क्या करती? जो सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती थी क्या सबके सामने तुमसे पूछती? क्या सबके सामने तुमसे ये पूछती कि तुम मेरे और मेरे बेटे के साथ किस जन्म का बदला ले रही हो? क्या मैं ये सवाल तुमसे पूछती? दीदी मैं बदला? तो तूने ये क्यों किया पारू? क्यों मेरे बेटे प्रियम की शादी इतनी खूबसूरत लड़की से तूने होने क्यों दी? वो तो सब कुछ जानती है कि इसी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। क्या तू नहीं चाहती कि अब मेरे बेटे के साथ भी नहीं हो? वो भी पागल हो जाए। ना दीदी, प्रियम को कुछ नहीं होगा। आप कंगना को जानती नहीं। प्रियम और कंगना एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, उन्हें अलग करना तो पाप होगा। पाप के बारे में तुम मत बोलो। पाप तो उसने मेरे साथ किया था और प्यार का अभिशाप मैंने भोगा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ पारो कि आगे चलकर मेरे बेटे प्रियम के साथ यही होगा। लेकिन नहीं नहीं पारो, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब प्रियम के साथ उसकी माँ है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी पारो। मिलकर खेलेंगी कौड़ी का खेल। इसमें जो सबसे ज्यादा बार कौड़ियां निकालेगा वो अपने पार्टनर को सारी उम्र सबसे ज्यादा रूल करेगा। ओके डन? चलो 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 शुरू करते हैं। बैठो बैठो, बोशो 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 बोशो। काल रात्रि शुरू होने वाली है। उमा चमत्कार, इसका मतलब अब हमें दोनों जोड़ों को अलग करना होगा। कंगना प्रियम सॉरी, अब तुम लोग सुबह से पहले नहीं मिल सकते। आए दुष्टू, की होच्चे? क्यों आए हो यहाँ? मुझे सिर्फ 10 सेकंड चाहिए, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। 10 सेकंड। सुना नहीं माशिमा ने क्या कहा? मॉम 5 seconds. Promise. 5 seconds. ठीक है, 5 सेकंड। कंगना कंगना सुनो, मैं छत पर तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ, जरूर आना। छत पर? मुझे आज काल रात्रि में मिल नहीं आ सकती। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना। अगर तुम नहीं आओगी मैं पूरी रात इंतजार करूंगा। मैं नहीं आ सकती। तुम्हें मेरी कसम कंगना।
माँ ने मिलने के लिए मना किया है, पर प्रियम की कसम का क्या? उसने कहा है कि वो मेरा इंतजार करेगा। हे माँ, तूने मुझे एक किस धर्म संकट में डाल दिया है। एक तरफ खानदान की परंपरा और दूसरी तरफ मेरे प्रियम का प्यार, मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैं प्रियम को रात भर इंतजार करता नहीं देख सकती। मुझे जाना ही होगा। मैं तुमसे मिलने नहीं आना चाहती थी। वो पक्का फैसला कर लिया था मैंने, लेकिन तुमने कसम जो दी थी, तुम्हारे प्यार का झोंका मेरे फैसले को उड़ाकर ही ले गया। लेकिन कहीं मैंने नियम और परंपरा को तोड़कर गलती तो नहीं की ना? सुना है कि काल रात्रि के दिन वर और वधु का मिलना अपशगुन होता है। ऐसा नहीं कहते कंगना, प्यार तो इबादत होता है। और हाँ, माँ दुर्गा जो है ना, उन्होंने हमें मिलाया था, उन पर विश्वास रखो, वो हमें बिछड़ने नहीं देगी। इस वक्त कौन है? माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ 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 कंगना अपने कमरे में नहीं है। माँ रूम में नहीं है, शायद पानी पीने किचन में गई होगी। माँ मैंने हर जगह देख लिया, वो नहीं है। माँ मुझे बहुत फिक्र हो रही है। माँ क्या बात है, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे इतनी रात हो गई, तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो, सब ठीक है ना? जी वो कंगना अपने कमरे में नहीं है। क्या? मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। अरे बाबा कहीं नहीं गई होगी, घबराओ मत, यहीं कहीं होगी। चलो ढूंढते हैं, चलो आप। सोनालिका, अब प्रियम के साथ उसकी माँ है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मेरे बेटे की जिंदगी को बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मौसमी दीदी ने, माँ क्या हुआ पारू, क्या बात है? ना कोई बात नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी, आपको कुछ चाहिए? चलती हूँ। ये मुझे देखने आई थी या कुछ पता लगाने आई थी? और ये इतनी परेशान क्यों लग रही थी? कोई तो बात है, कुछ तो जरूर हुआ है।
जो गलत है मगर क्या ऐसे क्या देख रहे हो तुम्हारी आंखों में मेरा साया अभी हमारे बीच सिर्फ इस कालरात्रि की दूरी है इसीलिए प्लीज अभी मुझे जाने दो नहीं कुछ और देर रुक जाओ अपनी आंखों में तुम्हें भर तो लूं ना कंगना कंगना कहां चली गई है पापा हॉल में देखते हैं मैंने सब जगह ढूंढ लिया कंगना कहीं नहीं मिल रही कहां चली गई वो मां कहीं वो टेरेस पर तो चलो बाहर देखते चलो देखो अगर किसी ने मुझे देख लिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी प्लीज मुझे जाने दो गुड नाइट ठीक है मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा क्या मुझे अपनी बाहों में भर लो गिव मी अ हग अगर तुम मुझे हग नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहीं खड़ा रखूंगा तुम इसी तरह पूरी रात यहां खड़ी रहोगी मेरी आंखों के सामने कम ऑन गिव मी अ हग गिव मी अ हग प्लीज प्लीज जानती हूं मेरी देवरानी और इस घर की छोटी बहू को रस्मों का पालन करना चाहिए था इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप सबसे छोटी हैं किसी से माफ कीजिए माफी की बात नहीं है रॉक्टिमा क्योंकि इस गलती की माफी देने का हक हमें है ही नहीं माँ दुर्गा का विधान तोड़ा है कंगना ने लेकिन बड़ी माँ इसमें कंगना की कोई गलती नहीं है मैंने इसे छत पर बुलाया था मैंने कसम दी थी इसे सच में प्रिय तुम कंगना से बहुत प्यार करते हो जबकि गलती हुई है इससे उसका इल्जाम तुम अपने सर ले रहे हो मैंने कहा ना आपसे कंगना की कोई गलती नहीं है इसे मैंने बुलाया था माँ माँ आप तो समझो प्लीज मैं सिर्फ कंगना को देखना चाहता था व्हाट्स द बिग डील मेरे मना करने के बावजूद सफाई देने से जो हो गया है वो बदल तो नहीं सकते ना काल रात्रि में तो पति की शक्ल नहीं देखते और तुम इसने तो रस्मों को चुनौती दे डाली कहा था मैंने बहुत समझाया था मैंने परोमिता को पर इसने मेरी एक नहीं सुनी राज आज मां दुर्गा के नियमों का अपमान किया इसने इस कंगना ने भगवान भगवान न जाने अब क्या होगा मां से प्लीज मैंने कहा ना आप लोगों से इसमें कंगना की कोई गलती नहीं बस प्रियम बस अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कंगना तुम जाओ अपने कमरे में Thank you.
दीदी अब आप गुस्सा छोड़ दीजिए और जो हो गया है उसके बारे में सोचिए भी नहीं। क्यों नहीं सोचो? यहाँ मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो चुकी है और तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं नहीं सोचू? कहा था ना कि कंगना की खूबसूरती अभिशाप है मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे की जिंदगी के लिए। अब बहुत हो चुका, मैं अपने बेटे की जिंदगी को बिखरने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ कुछ करो। मैं नहीं रुकूंगी, नहीं रुक सकती मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रोक्तिमा, मुझे छत पर नहीं जाना चाहिए था। कंगना, तुमसे गलती हुई है, लेकिन तूने जो कुछ भी किया वो प्रियम के लिए ही तो किया था। मैं जानती हूँ कंगना, तुम प्रियम की कसम नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए तुमने ये सब। अब बस ना कंगना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, अब रोना बंद कर प्लीज मेरे लिए। रोक्तिमा, ये तो अभी शुरुआत है मेरी प्यारी देवरानी, तू ऐसे ही गलती करती जा और उसका फायदा तो मुझे होने ही वाला है। स्वागत है चंद्र बाबू, स्वागत है। नमस्कार। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, हम बस पूजा शुरू ही करने वाले थे। मुनमुन, दोनों जोड़ों को ले आओ। नियास जी, लेकर आती हूँ। आज इस पूजा में वर एवं वधू दोनों की माएं आकर के सर्वप्रथम वर एवं वधू के सुखी विवाहित जीवन के लिए माँ दुर्गा से मनोकामना मांगेंगी। के लिए प्रार्थना करेंगे माँ दुर्गा से। पूजा तुम नहीं करोगे पार। ये पूजा वर की मां को करनी है ना। लाओ आरती का थाल मुझे दे दो। प्रिय के लिए